हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली रियल्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए दिल्ली ड्राइवर जो कोरोना हेल्प योजना निकला हुआ है, जिसमें आपको ई रिक्शा और पैरा ट्रांजिट वाहन चालकों को 5,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे, ऑनलाइन कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको मतलब उसके लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, और किस प्रकार के यहाँ पर चालक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से वीडियो खींच जाइए और वहाँ पर लाल बटन लग सब्सक्राइब कर और दबाइए, दबाने के बाद बगल घंटी मिलेगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वो भी दबा दीजिए, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल से जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें आपको सारा डिटेल से आपको मिल जाएगा, वो भी आपको दिखा देंगे लास्ट में। सबसे पहले आपको आज का जो न्यूज है और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है वो सारा डिटेल आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया ई रिक्शा वालों की मदद के लिए आवेदन शुरू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल से इस खबर को पहले पढ़कर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 5,000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए ई रिक्शा मालिकों और पैरा ट्रांजिट वाहन परमिट धारकों के लिए बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। परिवहन के विभाग की वेबसाइट पर जाकर के चालक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग ने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया है, और बुधवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके यह बताया कि वेबसाइट की टेस्टिंग हो चुकी है और ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले इसमें आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, आगे तो मैं बताऊंगा लेकिन आपसे अभी ही जान लीजिए कि आधार नंबर बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है और किस प्रकार के वाहन यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार के वाहन एलिजिबल हैं। देखिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर ई रिक्शा मालिकों को पहले आधार नंबर फिर ई रिक्शा का पंजीकृत नंबर बताना होगा, जबकि पैरा ट्रांजिट वाहन यानी ऑटो रिक्शा टैक्सी फटफट सेवा और इको फ्रेंडली सेवा स्कूल कैब मैक्सी और चालक को आवेदन के दौरान वाहन के पंजीकृत नंबर और परमिट नंबर संबंधी जानकारी देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल डिटेल दे दिया है किस प्रकार के, देखिए पैरा ट्रांजिट वाहन में किस प्रकार के यहाँ पर ड्राइवर आएंगे, किस प्रकार के यहाँ पर चालक आएंगे, ठीक है। तो और जो ई रिक्शा है, ई रिक्शा अलग हो गया, और पैरा ट्रांजिट का जिसमें जिसके अंडर जितने भी यहाँ पर आते हैं यहाँ पर सबका नाम दे दिया गया। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। तो कैसे फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर इस वेबसाइट पर उसके थ्रू से लिंक के थ्रू आ सकते हैं। देखिए ये लिंक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सारा डिटेल आपको अच्छे से बताया गया है, और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, ताकि आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब देख सकते हैं, जो कैलाश गहलोत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट कर किया था, तो वही मैंने वहाँ ट्वीट दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वेबसाइट की टेस्टिंग काम पूरा हो चुका है और ई रिक्शा और ट्रांजिट वाहन परमिट धारक अपना आवेदन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया गया है कि देखिए कृपया ई रिक्शा के अन्य मालिक और पैरा ट्रांजिट धारक के परमिट धारकों को भी बताएं और वो ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें और आवेदन कर सकें, ठीक है। तो मैं भी आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अगल बगल आपके भी कोई फ्रेंड ई रिक्शा चालक या पैरा ट्रांजिट वाहन होंगे तो आप उनसे भी यहाँ पर बताइए, उनको भी बताइए ताकि वो आवेदन कर सकें, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के लिए लिंक मिल जाएगा, जो कि मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ऊपर में ही मैंने दिखाया था जो कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया था, तो ये ट्वीट में ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, इस वेबसाइट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने नए पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको आधार नंबर के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके मोबाइल में ओपन ना हो, तो आपको परेशान मत नहीं होना है, रीलोड के ऑप्शन आ सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको 2-3 बार ट्राई जरूर करना है, और अगर भी उससे भी प्रॉब्लम होता है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप हो सके जितना हो सके आप रात में फॉर्म भरिए या फिर एकदम सुबह में ट्राई करिए, ताकि वेबसाइट अच्छे से यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ वेट कर लेते हैं। तो आपके सामने बिल्कुल ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपके आधार नंबर पूछेगा, और आधार नंबर डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है, देखिए एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परमिट होल्डर्स ऑफ पैरा ट्रांजिट व्हीकल एंड ऑनर ऑफ ई रिक्शा, ठीक है। तो ऊपर में भी आप देख सकते हैं पर लिखा हुआ है, और नीचे में आपको आधार नंबर डालना है। तो दोस्तों देखिए मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं ये अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर मतलब कि मैं आधार नंबर डाल करके आपको आगे नहीं दिखा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाला गया है इसी के ऊपर कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलिए उसको देखते हैं, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। मालिकों और पैरा ट्रांजिट वाहनों के परमिट धारकों को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता के आवेदन के लिए pucc.delhi.gov.in/cvfa/
CHECKAADHAR वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ अपना आधार नंबर डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अगली विंडो में अपने वाहन की श्रेणी, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और परमिट नंबर डालें। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा वीडियो बना कर डाला गया है। चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। और सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करें। सही ओटीपी डालने पर एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको अपने आधार कार्ड पर लिखा हुआ सही नाम डालना है, अपने पिता या पति का नाम डालें, जेंडर चुनें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें। इसमें आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड की लो रेजोल्यूशन फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा। अगर आपके सारे डिटेल्स सही हैं, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसे कर देने पर आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, रेफरेंस नंबर को आपको अच्छे से संभाल कर रखना है क्योंकि वो बाद में काम आ सकता है। ताकि रेफरेंस नंबर से मतलब हो सकता है कि आपको स्टेटस भी चेक करना हो तो रेफरेंस नंबर की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जब भी लेकिन रेफरेंस नंबर आपको बहुत ही ज़रूरी है, उसको आपको अच्छे से संभाल कर रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और ये जो वीडियो था ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अपने आसपास जो भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं उनको बताइए। अगर वो ई रिक्शा चालक हैं, पैरा ट्रांजिस्ट वाहन हैं, परमिट धारक हैं, तो उनको भी बताइए ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें।